ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सदा ऐसा रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। आप सबको वापस चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, ये है बहुत बड़ा पुंज। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल सकता है। प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्यों के बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है, उनका ही ऊंचते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों के बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। अब एक गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार हैं और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके, शरीर के द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर अब पूरा हुआ है। यह सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है। तुम ही सत्युग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य आत्माएं हैं। उनको अपना अपना शरीर है। ये है सभी आत्माओं का निराकार फादर। वह नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएंगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही है पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोगम कलप पहले भी सीखे थे वह सब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेंगी।
अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी है गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े ते बड़ी आसामी होगी। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है यह कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योति लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। यह तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी किसके बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वैताकतवान इसमें प्रवेश होता है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उसमें बैठ सारी नाली देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे यह भी जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारी बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं? शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है, ये है उनका रथ। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदमी नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अब तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
उनको ही याद करना है, वो इस सतन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे, यह बाप दादा दोनों का माइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर यह तुम्हारी माँ भी है। यह गुह्य बातें समझाते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली यह उनको क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित है, शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पापात्मा है। सबसे जास्ती पुण्यात्मा तुम बनते हो, सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं, जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने, सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु यह खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है, अब तो बहुत मनुष्य हो गए है, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है। यह भी तुम ही जानते हो, बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है, हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कहीं समझते हैं नई दुनिया, फिर नए सिर उत्पन्न होंगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाप कहते हैं ये सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूरत, सभी आत्माएं अकाल मूरत है, सत श्री एक अकाल है, बाकी सब है असत और झूठा। सत्य ज्ञान के बातों के लिए कहा जाता है, एक के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ। गाडली नाले एक गाड़ी आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है,
जैसे नाटक की जब पिछारी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे, हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अभी थोड़ा टाइम है, बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी ये समझानी देनी है, वो इतना नहीं समझते हैं कि यह राइट है, परंतु कहने वाले जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कलप पहले लिया होगा। तुम बच्चे गरी गरी याद करो कि अब हमको शांति नाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे तभी पूरा वर्षा पाएंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे, बल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा बाबा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते हैं, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो उनको कहा जाता है मन मना भाव। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने से जैसे छप जाता है, घड़ी घड़ी याद करते रहो। अब वापस जाना है, तुम्हारा मरने का डर निकल गया, मरने से कब हिचकना नहीं। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तू आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगते है। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे दे बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कोटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर
ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पार्टधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यही हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि सुतह होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रत्यक्षता करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट कर्मों को भस्म करूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विक्रम दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है जब वह सजाओं द्वारा विक्रम विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। जो उनकी प्रैक्टिकल आए बच्चे बनी रहे, उनको फिर यह फरमान देते हैं, हे बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विक्रमादित्य बनेंगे, धर्मराज के दंडों से बच जाएंगे, परमात्मा के पास विक्रम विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। दुखों के आगमगमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ओम शांति।